नमस्कार स्टूडेंट्स, दो रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स को इंसर्ट करना, ये आप अच्छी तरह से देख चुके हैं, समझ भी चुके हैं। मैंने एक पिछले वीडियो में इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर्स को कैसे इंसर्ट किया जाए। तो सबसे पहले ये मैं बतला देता हूँ कि इरेशनल नंबर्स को आप सीधा ये समझें कि वो नंबर्स जिसका रूट स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट में अगर रहता है और वो नहीं होल नंबर में आता हो तो हम उसको इरेशनल नंबर्स बोलेंगे। जैसे कि हम कह सकते हैं एक्स ये इरेशनल नंबर है अगर इसका स्क्वायर रूट कंप्लीट, ये एक्स परफेक्ट स्क्वायर रूट उसका नहीं निकलता हो। अगर इसका वैल्यू इस प्रकार से निकल जाए कि ये एक कंप्लीट नंबर आ जाए, एक होल नंबर में आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये इरेशनल नंबर नहीं है। और अगर ये नहीं निकलता है, इसी रूप में रहता हो, तो हम कहेंगे ये इरेशनल है। इस तरह का हो या ये इस तरह का हो, इसको भी हम लोग इरेशनल नंबर्स ही बोलेंगे। तो दो नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर्स कैसे इंसर्ट करें, तो देखें, मान लेते हैं दो नंबर्स एक्स और वाई। सपोज करते हैं कि वो दो नंबर x और y है जिसके बीच में हमको दो इरेशनल, ये दोनों रैशनल नंबर्स है और हमको इंसर्ट करना है इरेशनल नंबर्स। इसका तरीका देखें, सबसे पहले तो हम लोग इस नंबर को स्क्वायर कर लेंगे, दोनों का स्क्वायर कर लीजिए। मान लेते हैं स्क्वायर करने के बाद ये हमारे पास आ जाता है p और ये आ जाता है q। सपोज करते हैं कि x का स्क्वायर करने के बाद ये नंबर p बन जाता है और y का स्क्वायर करने के बाद ये नंबर q बन जाता है। अब ये जो दो नंबर्स हमको मिला, इस दोनों नंबर्स के बीच में तो कई एक नंबर होगा। मान लेते हैं ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, इसी तरह से कई नंबर्स मिलेगा, बहुत सारा नंबर्स इसमें आपको मिलेंगे। अब ये जो नंबर्स है तो ये नंबर्स का इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, इसका स्क्वायर रूट ले लिए, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ये जो नंबर्स हमको फाइंड हुआ, यही इस दोनों एक्स और वाई के बीच का इरेशनल नंबर कहलाएगा। अब हम इसको एक एग्जांपल से दिखाते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो नंबर्स है फोर और फाइव और इसके बीच में हमको दो इरेशनल नंबर इंसर्ट करना है। ये दो नंबर्स इंसर्ट करना है, ये दोनों इरेशनल होना चाहिए। पॉइंट टू बी नोटेड, ये दोनों फोर और फाइव रैशनल नंबर है, लेकिन नंबर हमको इरेशनल इंसर्ट करना है। क्या करते हैं, फोर का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक, फाइव का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो फोर का स्क्वायर जब करेंगे तो ये आ जाएगा 16 और फाइव का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब इसके बीच में जो नंबर्स है उसको लिख लीजिए, 17, 18, 19, 20, 21, इसी तरह से कई एक नंबर्स मिल जाएगा। अब इसमें से किसी भी दो नंबर को 17 ले लेते हैं हम लोग, 19 ले लेते हैं हम लोग,
ले लिए, ये तीन ही ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं। तो इसका ये जो नंबर हमारा है 4, इसका स्क्वायर रूट फिर ले लेंगे, इसका स्क्वायर रूट तो ये आ जाएगा 4, और इसका स्क्वायर रूट ये आ जाएगा 5। जब इस दोनों नंबर्स के बीच में हम लोग रख देंगे 17, लेकिन स्क्वायर रूट के साथ, और फिर दूसरा 19 स्क्वायर रूट के साथ। ये दो नंबर हम 4 और 5 के बीच में, दो इरेशनल नंबर, ये दोनों इरेशनल नंबर है, इंसर्ट हो गया। उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स को रखना, जैसे यहां पर जो क्वेश्चन है 4 और 5, ये दोनों रैशनल नंबर्स है, इसके बीच में अगर दो रैशनल नंबर रखना है तो हम लोग इसको सीधा दोनों को ऐड कर देंगे और हाफ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 4 9/2, यानी कि हम कर सकते हैं 9/2 एक रैशनल नंबर है जो कि 4 और 5 के बीच में इंसर्ट किया गया। एक और अगर निकालना हो तो फिर हम इस दोनों को ले लेंगे, इस दोनों को लेके दोनों को ऐड करके हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो नंबर आएगा वो नंबर हम यहां पर इंसर्ट कर देंगे। ठीक, एक और तरीका है जो कि मैं आपको बतला देता हूं, उसको भी देखें। मान लेते हैं दो रैशनल नंबर 2 और 3 है, इसके बीच में तो इरेशनल नंबर इंसर्ट करना है, ये दो इरेशनल नंबर्स होगा। इसको कैसे निकालते हैं, देखें, फर्स्ट जो रैशनल नंबर होगा, ये वाला रैशनल इरेशनल नंबर, फर्स्ट इरेशनल नंबर 2, ये इसका रूट, और 3 इसका रूट, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा √6। ये √6 हम यहां रख सकते हैं, यहां पर रख दिए √6, एक इरेशनल नंबर 2 और 3 के बीच में इंसर्ट हो गया। अब हमको दूसरा रखना है, इसके बीच में रखना है ये बाबा, तो इसके लिए इस दोनों को ले लेंगे, या इस दोनों के बीच में अगर निकालना है तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर इस दोनों के बीच में निकालना हो तो ये हम लिखेंगे 2 × √6, ये √6 पहले से था, इसका एक और रूट ले लेंगे। जो भी नंबर है उसका स्क्वायर रूट का प्रोडक्ट लेंगे, यहां 2 है तो 2 का स्क्वायर रूट लिए, यहां √6 पहले से था तो √6 पर रूट लेंगे, तो यह हो जाएगा हमारा √2 × 6^1/4, या 2 × 1/2 × 6/1/4, ये एक रैशनल नंबर यहां पर आप इंसर्ट कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है, एक तरीका जो पहले बतलाया वो भी एक तरीका है। आप इस दोनों तरीका में से जो भी अच्छा लगता है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो कमेंट में लिखें, और घर में रह के पढ़ें, बिल्कुल बाहर नहीं निकले अभी, बिल्कुल घर में रह के स्टे होम स्टडी ऑनलाइन। ठीक है, आज इतना सा ही। जय हिंद।